खरगोन जिले के पर्यटन नगरी महेश्वर में रविवार शाम को संत श्री 1008 टाटंबरी सरकार व दयालु गुरु के सानिध्य में मां नर्मदा की काकड़ आरती का भव्य शुभारंभ संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधो और समाज सेवी देवेंद्र साधो ने हजारों भक्तों की उपस्थिति में महेश्वर किला परिसर स्थित नर्मदा घाट से किया। महेश्वर में प्रति रविवार को नर्मदा तट पर मैया जय जगदानंदी के मधुर स्वरों के साथ मां नर्मदा की आरती होगी। मां अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रही महेश्वर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया गया। महाआरती के समय घाट का सौंदर्य देखते ही बन रहा था। एक तरफ नर्मदा जी में छोड़े गए दीप मां नर्मदा की छटा बिखेर रहे थे तो दूसरी तरफ घाट पर हाथों में मोमबत्तियां थामे हजारों भक्तगण मां नर्मदा के जयकारे लगा रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर साधो ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम भाग्यशाली हैं जो मां नर्मदा के गोद में जन्मे पले व बड़े हुए तथा मां के आशीर्वाद से विकास पथ पर हम निरंतर अग्रसर हैं। उन्होंने महेश्वर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, 300 बिस्तर का अस्पताल, 15 करोड़ का ऑडिटोरियम, निमाड़ लोक कला केंद्र स्थापित करने की बात कही। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। तहसील में ला रही हूँ, उसकी शुरुआत हो गई है। कहा तो मैंने 30 बिस्तर अस्पताल को 60 बिस्तर की मांग की थी, लेकिन मां नर्मदा ने, मां अहिल्या ने 30 का 300 कर दिया। 300 बिस्तर का अस्पताल हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया है। आज का मंच अज्ञात मंच में मुझे खुशी हो रही है कि 300 बिस्तर का हम लोग अस्पताल हो गया है। इसके साथ ही दूसरा विभाग मेरे पास आयुष है। लोगों ने बहुत कोशिश की धन्यवाद देने की, अड़ंगे लगाने की। अब मेरा सपना है मेडिकल कॉलेज लाने का। अड़ंगे बहुत लगते हैं, लगाए भी, मीटिंगें हुई हुई, इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए, तो आपको तो पता ही है कि विजयलक्ष्मी है। दिल्ली में असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। कोशिश करती हूँ सब संभव ही संभव हो जाए। मां नर्मदा का आशीर्वाद तो मुझे किसी का कोई डर ही नहीं है। बहुत विरोध हुआ, व्हाट्सएप पे खूब मैसेज चले। टाटंबरी सरकार के चरणों में वंदन करता हूँ और इस आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं उनका भी मैं अभिवंदन करता हूँ कि ये जो अवसर मिला है, ये जो अध्यात्म में प्रवेश करने का जो अवसर मिला है, ये अवसर जो जनता को प्रदान किया। क्योंकि अध्यात्म क्या होता है,